जय हिंद दोस्तों। तो आइए CGPAT और PVPT प्रवेश परीक्षा 2022 का ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले आपको CGVAPM के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको चले जाना है। उसके बाद जो ऊपर में ऑप्शन आएगा नोटिस बोर्ड का, यहाँ पर नोटिस बोर्ड में ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एक और पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर आपको PAT का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसमें अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और पेज ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा के लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। उसमें फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन में यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें यस में क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे में CG, आप CG के निवासी हैं कि नहीं, उसमें यस में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप 12th में जिस भी ग्रुप से पढ़ाई किए हो, बायो ग्रुप, मैथ्स ग्रुप, एग्रीकल्चर ग्रुप, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे में है अगर आप पशुपालन और मत्स्य विज्ञान में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो यस में क्लिक करेंगे, नहीं तो नो में क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे में आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 40 KB से 60 KB के बीच में रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप चूज़ फाइल में सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने बाद अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है जो कि 20 KB से 40 KB के बीच में रहेगा। सेलेक्ट करके यहाँ पर भी यस में क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में अपना नेम को इंटर करना है जो कि 10th के मार्कशीट में है, वही नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद है फादर्स नेम, फादर्स नेम के नीचे में है मदर्स नेम को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ है इंटर करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करके, जो कि DDMMYY के फॉर्म में है। यहाँ पर DD में अपना दिन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे में है सेलेक्ट जेंडर में अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आप मेल हैं या फीमेल। उसके बाद नीचे में है कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे अपना। उसके बाद नीचे में है क्लास, क्लास में यहाँ पे आपको सैनिक वर्ग, फ्रीडम फाइटर और अदर्स तीन ऑप्शन दिख रहे होगा, यहाँ पर अदर्स में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नो में सेलेक्ट कर लेंगे डिसेबिलिटी में। फिर आप APL या BPL जो भी जिसमें भी आते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपको नो में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे में आप कृषक फैमिली से आते हैं तो यस में, नहीं तो नो में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में है एम्प्लॉय ऑफ एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर नो में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार जो है आपका ऑप्शनल है, आप आधार को छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस को इंटर करना है, अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, उसके बाद यहाँ पर सिटी या विलेज में यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है अपना सिटी विलेज। उसके बाद नीचे में है पोस्ट ऑफिस, आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे में है सेलेक्ट स्टेट में अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर CG सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपकी जिला के निवासी हैं। उसके बाद नीचे में है यहाँ पर पिन कोड है, पिन कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर एरिया पिन कोड डालेंगे अपना। उसके बाद है यहाँ पर सेलेक्ट रीजन में, आप पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर शहरी से हैं या ग्रामीण से, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे में है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो कि चालू कंडीशन में रहना चाहिए, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे। नीचे में आपका ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पर आप नया ईमेल आईडी बनाकर यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे में आपका एग्ज़ाम सेंटर, आप किस जिला से एग्ज़ाम को दिलाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में है यहाँ पर डिक्लेरेशन बॉक्स, इसमें आई एग्री में
क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे में है, यहाँ पर नीचे में कोड को इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ओके में क्लिक कर देंगे। ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ से आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल की है फॉर्म में, उसको अच्छे से चेक करते जाना है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे में, यहाँ पर आपको कंफर्म सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपका जो फॉर्म है, यहाँ से भी अपने फॉर्म को अच्छे से चेक करते जाना है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका रजिस्टर इन्फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका स्टेटस में सक्सेस दिखा रहा होगा। यहाँ पर पिन कोड, एरिया पिन कोड, सबको अच्छे से चेक करते हुए जाना है। स्टेटस में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है, मतलब आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे। यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ पर आपसे एक कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म भरने से पहले सभी नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।